आइए आज हम एक और क्वेश्चन के साथ आते हैं जो कि पार्शियल असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए बी एंड सी वेयर द पार्टनर देयर कैपिटल वेयर रुपीज 30,000 20,000 एंड रुपीज 10,000 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वेयर द एंटाइटल टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो द एंटाइटल टू ड्रॉ ए सैलरी ऑफ रुपीज 500 पर मंथ। सी वॉज एंटाइटल टू ए कमीशन of 5% on the profit after charging the interest on capital but before charging the salary payable to B. The net profit for the year were rupees 30,000 distributed in the ratio of their capital without providing for any of the above adjustment. The profit were to be shared in the ratio 2:2:1 एडजस्टमेंट इन टे सो द वर्किंग क्लियरली। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी द पार्टनर दिए जिनकी कैपिटल दिया हुआ फिक्स कैपिटल कितने का दिया है 30,000 20,000 एंड 10,000 दिया हुआ है। अब उन्होंने क्या है उनको मिलता क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी चाहिए थी 5% पर एनम के हिसाब से। बी को सैलरी कितना मिलना चाहिए था 500 पर मंथ के हिसाब से एंड सी को कमीशन मिलना चाहिए था आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके इनकी जो प्रॉफिट थी 30,000 को उसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में कर दिया था उन्होंने कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या था 30,000 20,000 एंड 10,000 यानी 3:2:1 में। तो अब देखिए इसके लिए जो वर्किंग नोट क्लियरली करना होगा जो इन्होंने वर्किंग नोट के लिए कहा गया पास करने से एडजस्टमेंट एंट्री करने है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है समझाने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है पहले उन्होंने बनाया क्या ये तो एंट्री है लेकिन पहले बनाया क्या स्टेटमेंट showing adjustment to be made in current account of A, B and C. Particular A, B, C and partnership firm. A may be debit, credit, debit, credit, debit, credit and debit, credit, partnership firm may be. यानी ये just like a partners capital account के format के basis पे है। इन्होंने profit quality क्या किया था इन्होंने distribute कर चुके हैं किस ratio में 3:2:1 यानी जो wrongly credited कर दिया गया था जो already distribute कर चुके थे उसको कहाँ पे adjust करेंगे debit में। तो यहाँ पे लिखा profit already distributed now debited capital ratio 3:2:1 यानी 3:2:1 कैसे आया इनकी capital कितनी थी 30,000 20,000 and 10,000 तो ratio क्या निकला 3:2:1 और टोटल प्रॉफिट कितनी थी 30,000 तो जो 30,000 डिस्ट्रीब्यूट किया तो 3/6 15,000 2/6 10,000 एंड 1/6 5,000 टोटल 30,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो रॉन्गली क्रेडिटेड था उसको कहां पे कर दिया डेबिट में। अब मिलना क्या चाहिए था पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन की बात थी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट 5% इनकी कैपिटल कितनी थी A का कैपिटल था 30,000 तो 30,000 का 5% 1,500 B की कैपिटल थी कितनी 20,000 उसका 5% निकाला तो कितना आया 1,000 एंड C की कैपिटल कितनी थी 10,000 तो उसका निकाला तो कितना आया यहाँ पे 500। अब इन तीनों को 1,500 प्लस 1,000 प्लस 500 ऐड किया तो टोटल कितना आ गया 3,000। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि B को सैलरी मिल रही है तो ये जो सैलरी मिल रही है सैलरी टू B एट द रेट ऑफ रुपीज 500 पर मंथ केवल B को मिल रहा है कितने से 500 इनटू 12 पर मंथ है 1 ईयर में कितने मंथ हुए 12 मंथ तो 500 इनटू 12 किया तो बी में कितना है 6,000 ओनली केवल किसको सैलरी मिली है बी को 6,000। अब यहां पे कह रहा है कमीशन किसको दिया रहा है सी को कमीशन दिया रहा है लेकिन कमीशन के लिए यहां पे कंडीशन क्या दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगी उस पे उसको कमीशन मिलेगा यानी इसकी जो प्रॉफिट थी वो कितना था 30,000 थी प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है यहाँ पे 3,000 किसके तीनों पार्टनर कैपिटल ऐड करने के बाद तो रिमेनिंग बचा कितना 27,000। अगर यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे तो यानी 30,000 माइनस 3,000 आया कितना 27,000 इसका कितना परसेंट देना है 5% यानी 1,350 किसको कमीशन मिलेगा सी को यानी यहाँ पे लिखा कमीशन टू सी किसको जा रहा है सी को 1,350 और यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में डेबिट में आ गया। अब यहाँ पे जितने जो डिफरेंस अमाउंट है उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था इनकी जो रेशियो होनी चाहिए थी क्या होनी चाहिए थी 2:2:1 तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ है यहाँ पे किस रेशियो में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो रिमेनिंग अमाउंट कैसे आई 30,000 ऑलरेडी था इसमें से 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 सैलरी एंड 1,350 कमीशन थी।
और इसको माइनस करने के बाद कितना है 19650, 19650 को डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में किया गया, 2:2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ए का कितना आया 7860, बी में भी 7860 एंड सी में 3930। अब टोटल किया तो हमेशा एक ध्यान रखने वाली चीज है कि पार्टनरशिप हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा इक्वल आएगा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा उसकी इक्वल आएगी, अनइक्वल अमाउंट किसके आएगी, पार्टनर्स की, तो जो अनइक्वल अमाउंट आ रही है तो किसके कितना आ रहा है कैसे देखते हैं। अब देखिए ए का टोटल डेबिट साइड में 15,000 है एंड क्रेडिट साइड में टोटल कितना है 9,360 है, यानी ए कितने से एक्स्ट्रा डेबिट हो जा रही है 5,640 से। सेम बी का डेबिट साइड 10,000 है एंड क्रेडिट साइड में जब टोटल किया तो आ रहा 14,860, यानी कितने से एक्स्ट्रा क्रेडिट हो रही है 4,860 से। अब सी का देखते हैं तो सी का डेबिट साइड है 5,000 एंड क्रेडिट साइड आ रही है टोटल करने में 5,780, तो कितने से एक्स्ट्रा क्रेडिट हो रहा है 780 से, तो क्रेडिट है। तो अब देखते हैं जो भी जो जितने से डेबिट हो रहा है तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, बी क्या हो गया क्रेडिट एंड सी क्या हो गया क्रेडिट। तो जनरली क्या हो गया, ए's करंट अकाउंट डेबिट टू बी's करंट अकाउंट और टू सी's करंट अकाउंट। ए's करंट अकाउंट के डेबिट में कितना आ गया 5,640 जो ये निकाला था, बी के करंट अकाउंट में जो ये निकाला है 4,860 एंड सी's करंट अकाउंट में कितना आया 780। मैसेज क्या होगा, बीइंग नेट इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड, जो भी नेट इफेक्ट पड़ा जो एडजस्टमेंट में वो उसको कहां पे किया, रिकॉर्ड किया किसमें, जनरल एंट्री में, और किससे एडजस्ट किया, क्योंकि कैपिटल फिक्स दिया हुआ है तब भी कंडीशन में क्या हो रहा है, इसको किससे एडजस्ट करेंगे, करंट अकाउंट से। अगर कैपिटल फिक्स नहीं होता तब भी कंडीशन कहां पे होता, यहां करंट अकाउंट की जगह पे क्या हो जाती है, यहां पे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस टाइप से और भी प्रॉब्लम लेके आएंगे, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। थैंक यू।